शहर में पिछले कई दिनों से चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर पुलिस सक्रियता से आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। वहीं अपराधों को कम करने के लिए उज्जैन पुलिस ने शहर के चिन्हित स्थान के करीब 44 आरोपियों का जुलूस निकाला। यहां महाकाल क्षेत्र में ढोल नगाड़ों के साथ एक साथ 22 आरोपी कान पकड़कर सड़कों पर चलते हुए दिखाई दिए। कमरी मार्ग पर सभी आरोपियों से एक साथ कान पकड़कर उठक बैठक भी लगवाई गई। एडिशनल एसपी ने बताया कि जिले के सभी थानों में चिन्हित अपराधियों को बुलवाया गया था, जिनसे शहर में हुई घटनाओं के संबंध में जानकारी ली गई। हमारे जिले के चिन्हित अपराधी हैं, जो लिस्टेड अपराधी जिनकी शोहरत है, उन सभी को थाने पर बुलवाया गया था। सभी से पूछताछ की गई, सभी की डोजियर भरे गए हैं और जो समय समय पर पिछले वर्षों में अपराध हुए हैं, उस अपराध के समय इनकी लोकेशन कहाँ थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई है और पूछताछ करके इनको सुरक्षित सकुशल घर पर रुखसत किया गया है। ये जीवाजी के निर्माण के चार थानों के लगभग 22 लोग थे जो शरीर संबंधी अपराध चाकूबाजी इत्यादि में इन्वॉल्व थे। तो अपराधों पर अंकुश लगाने के क्रम में प्रिवेंटिव कार्रवाई की गई है, पूछताछ करके इनको डोजर भर के सभी को रुखसत किया गया। महाकाल क्षेत्र में भी तीन थानों के लगभग 22 चिन्हित अपराधी थे जो बॉडी ऑफेंस में इन्वॉल्व रहे हैं, वहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो किया गया, सभी से पूछताछ की गई है, सभी के डोजर भरे गए हैं। वर्तमान में क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या उनका जीवन यापन का तरीका है, ये सारी चीज़ें अपडेट करके सभी को रुखसत किया गया है।